हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मेरा नाम है अदिति और मैं आज आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गई हूँ क्लास 11th एनसीईआरटी की सोशियोलॉजी। तो देखिए, अब तक हम लोगों ने चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोग चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, और चैप्टर 3 को कल हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने हाफ ऑफ योर चैप्टर 3 हैज बीन कंप्लीटेड। अब बचा हुआ हाफ हम आज की क्लास में करेंगे कंप्लीट। ऑलराइट, तो हम लोगों ने यहाँ पे समझा था कि आपके सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं और वो किस तरीके से यहाँ पर आपको एक तरीके से बांधे रखते हैं रिलेशंस में, ठीक है, और यहाँ पर उसमें एक लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से ये वर्क करते हैं। ऑलराइट, तो क्या क्या चीजें हम लोगों ने देखी थी यहाँ पे, मैरिजेस वगैरह देखी थी, ठीक है, मैरिजेस वगैरह हैं, लोग अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए किस तरीके से एक दूसरे से बंधे रहते हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने कल देखी थी। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ गाइस। आप लोगों को यहाँ पे हम लोग पहले से थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, अनअकैडमी लेकर आए अपना प्रॉमिस वीक, और इस प्रॉमिस वीक में क्या है कि अगर मान लीजिए कि फर्स्ट आप लोगों ने मान लिया कि आप लोगों ने एक साल का सब्सक्रिप्शन लिया और इस एक साल के सब्सक्रिप्शन में आपका जो एग्जाम है वो क्लियर नहीं हो पाया, तो अनअकैडमी आपको प्रॉमिस कर रहा है कि वो सेकेंड ईयर का भी आपको सब्सक्रिप्शन देगा। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपके कुछ 80 टेस्ट सीरीज हैं जो कि आपके अनअकैडमी द्वारा आपको प्रदान की जा रही हैं, जिनकी कॉस्ट प्राइस 30,000 रुपए है, बट ये यहाँ पर आपको मिल जाएंगी फ्री अगर आप लोग लेते हैं सब्सक्रिप्शन। और जब भी सब्सक्रिप्शन लें, कोड का इस्तेमाल करें जो कि है चैनल का नाम स्टडी आईएएस। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मिल जाता है 10% का एक्स्ट्रा ऑफ। ऑलराइट, फिर यहाँ पर है महा सब्सक्रिप्शन ऑफर, जिसके हिसाब से यहाँ पर क्या है कि आपके जो 4 महीने हैं आपके वैलिडिटी जो होती है सब्सक्रिप्शन की, वो यहाँ पर बढ़ा दी जाएगी। सब्सक्रिप्शन लेते टाइम आपको कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना है, जो कि है आपका स्टडी आईएएस। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पर 20 बुक्स आपकी क्रिएट करी गई है यूपीएससी एक्सपर्ट्स द्वारा, हिंदी में भी अवेलेबल है, कॉस्ट प्राइस इनकी 10,000 रुपए है, अगर सब्सक्रिप्शन लोगे तो मिल जाएंगी एकदम फ्री। Then moving forward, यहाँ पर यूपीएससी प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप अनअकैडमी पे, तो अनअकैडमी आपको प्रदान कर रहा है लोन की सुविधा, ठीक है, लोन की सुविधा आपको अनअकैडमी प्रदान कर रहा है, ठीक है, तो वो यहाँ पर आप लोग ले सकते हैं। Then moving forward, यहाँ पर है आपका अनअकैडमी का कॉम्बैट की स्कॉलरशिप टेस्ट, ठीक है, ये होती है आपकी हर संडे को, दैट टू 11 AM एवरी संडे। आप लोग चाहे तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में होता है, और यहाँ पर आप लोग प्राइजेस भी जीत सकते हैं। ऑलराइट, तो आप लोग जरूर इसमें एनरोल करें, यहाँ पे जो बैचेस हैं आप लोग इनको भी यहाँ पर देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो हम लोगों ने यहाँ पर आपकी फैमिली एंड ऑल ये सारी चीजें यहाँ पर कवर करी थी कल की क्लास में, ठीक है, कि फैमिली क्या होती है, किस प्रकार की होती है, ठीक है, मेटिंग रिलेशनशिप, फॉर्म ऑफ मैरिज था, नॉमेनक्लेचर था, ठीक है, इकोनॉमिक प्रोविजन था, ठीक है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे हमने फैमिली के, कि किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। ऑलराइट, किस तरीके के फंक्शन होते हैं आपकी फैमिली के, अफेक्शनल फंक्शन है, इकोनॉमिक फंक्शन है, रिक्रिएशनल फंक्शन है, प्रोटेक्टिव फंक्शंस हैं, ऑल दीज फंक्शंस हैव बीन प्लेड बाय योर फैमिली। ऑलराइट, देन यहाँ पे एसेंशियल फंक्शंस देखे थे हमने, सेटिस्फैक्शन ऑफ योर सेक्स नीड्स, देन प्रोडक्शन एंड रियरिंग ऑफ चिल्ड्रन, प्रोविजन ऑफ अ होम, एंड देन नॉन एसेंशियल फंक्शन जो थे आपके इकोनॉमिक है, रिलीजियस है और एजुकेशनल वन। नाउ आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अ फैमिली। अब क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो देखो, जो स्टडीज है वो यहाँ पर ये दिखाती है कि जो डाइवर्स फैमिली फॉर्म्स हैं, दे आर फाउंड इन डिफरेंट सोसाइटीज ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग रूल्स। तो हर सोसाइटी में जो फॉर्म्स ऑफ फैमिलीज हैं वो अलग तरीके के बेसिस पे यहाँ पर बनाई जाती हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है आपका रूल ऑफ रेजिडेंस। अब ये रूल ऑफ रेजिडेंस क्या है, देखो, विद रिगार्ड टू रूल ऑफ रेजिडेंस जो फैमिली है वो फॉर्म करती है आइदर बाय मैट्रिलोकल और पेट्रिलोकल, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि पहले केस में जो न्यूली मैरिड कपल है दे स्टेज विद द वुमेन्स पेरेंट्स, एंड वेर एज इन द सेकंड केस द कपल लिव्स विद द मेन्स पेरेंट्स। तो यहाँ पर मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ पेट्रिलोकल है, ठीक है, पेट्रिलोकल किस हिसाब से कि भाई यहाँ पर क्या होता है कि पेट्रियार्कल सोसाइटी है, उस हिसाब से जो लड़की है वो जाएगी आपके लड़के के घर शादी के बाद, ठीक है। बट कुछ जगह क्या होता है कि आप लोगों को कुछ जगह देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप नॉर्थ ईस्ट में कुछ जगह है जहाँ पे आपको मेट्रिलोकल चीजें देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पे क्या होता है कि जो मेन होता है वो जाता है वुमेन के घर रहने के लिए, ठीक है। वैसे अगर एक हिसाब से देखा जाए तो कॉमनली हमारे देश में, इंडिया में, तो ये चीजें हम लोगों ने ज्यादातर देखी है कि जो लड़कियां हैं वो जाती हैं लड़के के घर पे। ऑलराइट, तो ये है आपका रूल ऑफ रेजिडेंस के हिसाब से, ओके।
जो रूल ऑफ रेजिडेंस है वो इसी तरीके से होता है कि फैमिली फॉर्म के हिसाब से कि मैट्रिलोकल और पेट्रिलोकल के हिसाब से, पहले केस में आपका जो नया कपल है वो कहाँ रहने जाता है, वुमेन्स के वुमेन पेरेंट्स के पास, ठीक है, लड़की के पेरेंट्स के पास, और जो सेकंड कपल है वो जाता है, मतलब जो सेकंड केस में कपल है वो कहाँ जा रहा है, आपके मैन के घर पर रहने के लिए। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पर फिर आता है आपका रूल ऑफ इनहेरिटेंस एंड लीनेज। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे रूल ऑफ इनहेरिटेंस और लीनेज के बारे में बात करें तो जो फैमिली फॉर्म है वो यहाँ पर आपकी मैट्रिलिनियल हो सकती है या मैट्रिलोकल हो सकती है। अब इस केस में क्या है कि जो भी आपका इनहेरिटेंस राइट्स है उनको पास किया जाता है, दे आर बीइंग पास्ड डाउन फ्रॉम योर मदर टू डॉटर एंड लीनेज इज ट्रेस्ड फ्रॉम द मदर्स साइड। ऑलराइट, और सेकंड केस में ये है कि जो इनहेरिटेंस राइट्स हैं, जो राइट्स हैं वो आपके पास होते हैं फादर टू सन एंड लीनेज इज ट्रेस्ड फ्रॉम द फादर्स साइड। ऑलराइट, तो ये पर्टिकुलर क्या है कि ये है आपके रूल ऑफ इनहेरिटेंस एंड लीनेज, जिसमें क्या होता है कि अगर एक हिसाब से देखा जाए आपके मैट्रिलिनियल हिसाब से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो इनहेरिटेंस राइट है, जो राइट होते हैं आपके इनहेरिटेंस राइट, वो यहाँ पर पास होते हैं आपकी माँ से बेटी की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पर जो लीनेज है वो यहाँ पर आपकी ट्रेस होती हुई नजर आएगी कि मदर की साइड से है। ऑलराइट, और सेकंड केस में क्या होता है कि जो इनहेरिटेंस राइट्स हैं वो यहाँ पर आपके पास होते हैं फादर से बेटे की तरफ, ठीक है, और फादर से बेटे की तरफ यानी कि जो लीनेज होगी वो आपकी ट्रेस हो जाती है कहाँ पर, फादर की साइड में। ऑलराइट, फिर यहाँ पर आता है आपका रूल ऑफ अथॉरिटी एंड डोमिनेंस। अब रूल ऑफ अथॉरिटी और डोमिनेंस के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पर जो विद रिगार्ड टू द रूल ऑफ अथॉरिटी एंड डोमिनेंस जो फैमिली फॉर्म है दैट कैन बी पेट्रियार्कल और मैट्रियार्कल। जैसे मैंने आपको बताया कि रूल ऑफ अथॉरिटी के हिसाब से क्या होता है कि या तो आपकी सोसाइटी, जैसे हमारी सोसाइटी, मोस्ट ऑफ द सोसाइटी इज पेट्रियार्कल यानी कि आदमियों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, मैट्रियार्कल सोसाइटी बहुत कम है यानी कि जो भी डिसीजन वगैरह होगा वो यहाँ पे पेट्रियार्कल सोसाइटी ही, पेट्रियार्कल फैमिली स्ट्रक्चर ही एग्जिस्ट करता है जिसमें जो मैन होता है वो एक्सरसाइज करता है अथॉरिटी, ठीक है, डोमिनेंस, वो डोमिनेट करके चलता है, और मैट्रियार्की में क्या होता है कि वुमेन मेजर रोल प्ले करती है डिसीजन मेकिंग में फैमिली के अंदर। बट इंडिया में आप लोगों को पेट्रियार्कल फॉर्म ही देखने को मिलता है, रीजन बीइंग क्योंकि यहाँ पर जो हमारी अगर पहले के हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से भी अगर हम देखते आए तो हिस्ट्री के हिसाब से भी यहाँ पर जो मेन्स हैं, मेन्स को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हैव बीन लाइक जहाँ पर मैट्रियार्की चलती होगी, ठीक है, बट ज्यादातर इंडिया के अंदर आपको पेट्रियार्कल ही देखने को मिलता है जहां पर जो आपका हस्बैंड होता है वही आपको डोमिनेट करता है, ठीक है, वही ज्यादा मतलब यू नो जो हस्बैंड है वो भी आपकी इस पर्टिकुलर सोसाइटी के हिसाब से डोमिनेट करता है, उसी के हाथ में पूरी अथॉरिटी होती है, तो मेजर रोल जो होता है वो हस्बैंड का ही होता है, ही प्लेज द हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है, तो कंसिडर किया जाता है हेड ऑफ द फैमिली कौन है, आपका हस्बैंड है। ऑलराइट, देन कमिंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पे बात करी जाती है आपके मैरिज के हिसाब से। अब मैरिज क्या है, सबसे पहली बात तो ये है कि देखो मैरिज आपकी एक सोशली अक्नॉलेज और अप्रूव्ड सेक्सुअल यूनियन है दो अडल्ट्स के बीच में, ठीक है, तो मैरिज क्या है आपकी, दो लोगों का यहाँ पर जैसे शादी कराते हैं तो बेसिकली क्या है कि एक सेक्सुअल यूनियन है, ठीक है, उसको अप्रूवल दिया जाता है कि भाई यहाँ पर अगर शादी हो जाती है तो वो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि ये दोनों जो अडल्ट हैं वो एक साथ रह सकते हैं। सो जब भी यहाँ पर दो लोग शादी करना चाहते हैं दे बिकम किन टू ईच अदर यानी कि नातेदारी से जुड़ने जा रहे हैं। ये किन का मतलब क्या होता है, नाता, एक नाते से जुड़ने जा रहे होते हैं, एक रिश्ता जो होता है उससे यहाँ पर ये लोग अपने जुड़ने जा रहे होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि देखो अब इन दोनों का रिश्ता बनेगा तो इन दोनों के मम्मी पापा का अलग से फिर रिश्ता बन जाएगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, ठीक है, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, तो उस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है, थीके? तो ये जो मैरिज बॉन्ड है इट इज ऑल्सो हाउएवर कनेक्ट्स टुगेदर अ वाइडर रेंज ऑफ पीपल। बिल्कुल, यहाँ पर एक व्यक्ति अगर मान लो ये लड़का है, लड़के के जो पेरेंट्स हैं फादर एंड योर मदर, ठीक है, और वहीं पर लड़की के जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, फादर मदर, तो वो यहाँ पर आपस में इस लड़के से इनकी रिश्तेदारी बन जाएगी, ठीक है, वो इसके वो इनका सन इन लॉ हो जाएगा, ठीक है, उसी हिसाब से जो लड़के के पेरेंट्स हैं वो लड़की के बन जाएंगे फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, और वो बन जाएंगे डॉटर इन लॉ। अब इनके साथ साथ यहाँ पे देखो ये फादर मदर के भी तो ऑलरेडी पेरेंट्स वगैरह होंगे तो उनके साथ भी यहाँ पे रिश्ते नाते जुड़ जाएंगे, तो यानी कि इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो वी हैव अ वेरी बिग फैमिली एंड ऑल दिस फैमिली कंसिस्ट ऑफ योर चाचा, मामा, काका, नानी, एवरीवन, एंड
देन जब एक दो लोगों की शादी होती है तो दो लोगों की शादी में क्या होता है कि जो परिवार है आपका वो और बड़ा होता जाता है और बड़ा पूरा हो जाता है। ऑलराइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिजेस के बारे में बात करें तो देखिए सबसे पहले आती है आपकी मोनोगामी। मोनोगामी क्या है? रिस्ट्रिक्ट करती है इंडिविजुअल को टू वन स्पाउस एट अ टाइम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप सिर्फ एक ही व्यक्ति से शादी कर सकते हैं एक समय पे, विच इज आई थिंक इट इज लीगल ऑल्सो। ऑलराइट, तो इस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि इट इज एट एनी गिवन टाइम अ मैन कैन हैव ओनली वन वाइफ एंड अ वुमेन कैन हैव ओनली वन हस्बैंड। ठीक है, तो एक बारी अगर शादी हो रही है आपकी तो आपकी सिर्फ एक ही लड़के से आप शादी कर सकते हो, एक ही लड़की से आप शादी कर सकते हो, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना वन मैन वुमेन, ठीक है, और वन वुमेन मैन वाली जो कहानी होती है, ठीक है, वो है आपकी मोनोगैमी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम एक बारी में सिर्फ एक ही व्यक्ति से शादी कर सकते हैं। ऑलराइट, अब बहुत सारी सोसाइटीज में क्या होता है कि इंडिविजुअल्स को परमिशन दी जाती है कि वो मतलब दोबारा शादी कर सकते हैं। ठीक है, ऑफन ऑन द डेथ ऑफ द फर्स्ट स्पाउस और आफ्टर डिवोर्स, तो यानी कि अगर आपका डिवोर्स हो जाता है तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं, और इफ आपके हस्बैंड की डेथ हो जाती है या वाइफ की डेथ हो जाती है तो आप यहाँ पर दूसरी शादी कर सकते हैं, बट उस पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पर हम बहुत ज्यादा शादी नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, बट दे कैन नॉट हैव मोर देन वन स्पाउस एट वन एंड दिस एट द सेम टाइम। ठीक है, तो ये है आपकी मोनोगैमस मैरिज, यानी कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही व्यक्ति से हम यहाँ पर शादी करते हैं। ऑलराइट, ये होती है आपकी मोनोगैमी। अब यहाँ पे बात करेंगे हम पॉलीगैमी के बारे में। तो पॉलीगैमी जो है वो यहाँ पे डिनोट करती है मैरिज टू मोर देन वन मेट, एक व्यक्ति से ज्यादा हम लोग यहाँ पर शादी कर सकते हैं पॉलीगैमी में। इसमें क्या होता है, ये यहाँ पर आपकी जो पॉलीगैमी है इसमें क्या है कि एक हस्बैंड है तो उसकी शादी यहाँ पर दो या तीन वाइफ से हो सकती है। देखो यहाँ पर ये फादर है, ये यहाँ पर आपके एक लड़की की शादी करा रहे हैं, एक दो तीन, तीन लड़कियों से यहाँ पर शादी करा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके की भी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, इसको हम पॉलीएंड्री भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है वन वाइफ और यहाँ पर टू हस्बैंड होते हैं। ठीक है, तो वन वाइफ है और यहाँ पर टू हस्बैंड है। जैसे आप लोगों ने द्रौपदी की शादी देखी थी, द्रौपदी हैड फाइव हस्बैंड्स, द्रौपदी हैज फाइव हस्बैंड, तो वो क्या है आपकी पॉलीगैमी है वो। ठीक है, पॉलीगैमी बोलते हैं उसमें। तो यूजुअली वेयर इकोनॉमिक कंडीशंस आर हार्श, जब बहुत जगह क्या होता है कि इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत हार्श होती हैं, ठीक है, तो वहां पर हमें पॉलीगैमी देखने को मिलती है, क्योंकि वो आपकी सोसाइटी के हिसाब से ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं, जहाँ पे एक सिंगल मैन कैन नॉट एडिक्वेटली सपोर्ट अ वाइफ एंड चिल्ड्रन, सो एक्सट्रीमली पॉवर्टी कंडीशंस प्रेशराइज अ ग्रुप टू लिमिट इट्स पॉपुलेशन। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत एक्सट्रीम पॉवर्टी है अगर किसी की जगह पे, तो वहां पे जो कंडीशंस हैं वो इसी तरीके से यहाँ पर आपकी पॉपुलेशन को लिमिट करने के लिए ऐसी चीजें करी जाती हैं। ऑलराइट, पहले आप लोगों को देखते होंगे कि राजा महाराजा यहाँ पर कितनी सारी लड़कियों से शादी कर लेते थे, अभी एक लड़की से करके आए हैं फिर दूसरी से कर ली, ऐसी तरीके से यहाँ पर हमें शादियां देखने को मिल जाती हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात आती है किनशिप के बारे में। अब किनशिप क्या है, देखो किन का मतलब होता है नाता, किन का मतलब क्या होता है नाता, नातेदारी, और शिप का मतलब क्या हो गया नातेदारी, ठीक है, रिश्ते नातेदारी। अब यहाँ पर क्या होता है कि किनशिप के हिसाब से कुछ कनेक्शंस होते हैं दो इंडिविजुअल्स के बीच में, ठीक है, वो एस्टैब्लिश होते हैं आइदर थ्रू मैरिज और आइदर द लाइंस ऑफ डिसेंट दैट कनेक्ट ब्लड रिलेटिव, जैसे आपके मदर फादर सिबलिंग्स ऑफ स्प्रिंग वगैरह ये सब हो गए, तो इन सबके बीच में क्या है नाते जुड़े जाते हैं थ्रू मैरिजेस एंड ऑल। ठीक है, जैसे आपके चाचा हो गए तो चाचा है तो चाची आएंगी, ठीक है, मामा है मामी है, तो इस तरीके के ये जो रिश्ते होते हैं इन सारे रिश्तों को हम क्या बोलते हैं किनशिप होते हैं, ये रिश्ते नातेदारी हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि दो लोगों की जब शादी होती है तो वो एक दूसरे के साथ किन हो जाते हैं, यानी कि उनका एक नाता जुड़ जाता है, दे हैव अ रिश्ता नाउ। ठीक है, उनका एक रिश्ता बन गया। अब ये जो मैरिज का बॉन्ड है ये यहाँ पर कनेक्ट करेगा और लोगों को, मतलब वाइडर रेंज ऑफ पीपल। अब यहाँ पर लड़की की चाची, लड़के की चाची, लड़की का चाचा, लड़की लड़के का चाचा, तो यहाँ पे लड़के का चाचा जो होगा वो लड़की का चाचा होगा, तो इस तरीके से क्या होता है कि रिलेशन जो है आपके वो यहाँ पर बढ़ते जाते हैं, जो पेरेंट्स हैं, ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं और आपके और ब्लड रिलेटिव्स हैं वो यहाँ पर रिलेटिव बन जाते हैं आपके पार्टनर के भी मैरिज के बाद। ठीक है, मैरिज के बाद यहाँ पर जो रिलेशंस हैं वो आपके और वाइड होते जाते हैं, बड़ा बहुत बड़ा परिवार हो तो और रिश्ते आपके यहाँ पर नए नए बन जाएंगे। तो एक व्यक्ति यहाँ पर डेवलप कर सकता है टू टाइप्स ऑफ किन कनेक्शन, एक तो होता है आपका ब्लड के हिसाब से,
ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कंसैंग्यूनल किन, ठीक है, कंसैंग्यूनल रिश्तेदारी। उसके बाद ये जो किन होती है, वाइल द किन हु आर रिलेटेड थ्रू मैरिजेस, अब जो यहाँ पर मैरिजेस के हिसाब से रिलेट कर रहे हैं वो होते हैं आपके एफाइन्स, ठीक है। जैसे एक तो आपके चाचा हो गए, ठीक है, एक तो चाचा हो गए, इनके साथ आपका ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है। फिर आपकी यहाँ पर चाची आएंगी, तो चाची के साथ किस तरीके का रिलेशन होगा आपका, चाचा की मैरिज हुई चाची से, तभी तो यहाँ पे चाची है, तो ये हो गया आपका मैरिज के हिसाब से रिलेशन। तो इस तरीके से सोसाइटी में हमारे यहाँ शादियां होती है, और शादियों के हिसाब से यहाँ पर आपके जो रिलेशन है उनको डिफाइन किया जाता है। सो यही था आपका थर्ड चैप्टर, आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा है, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करना है इसको लाइक, ठीक है, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर आपको कोई भी डाउट आता है देन प्लीज कमेंट बिलो, आप लोग कमेंट कर सकते हो, यू आर फ्री टू कमेंट एंड आस्क। एंड एज यू ऑल नो कि मैं आप लोगों के लिए रेगुलरली रोज सुबह 8 बजे लेकर आती हूँ द हिंदू की क्लास, ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को जो भी डाउट रहता है आप लोग मुझसे टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, और इफ यू विल कमेंट डाउन बिलो आई वुड डेफिनेटली रिप्लाई टू यू ऑल। ऑलराइट, चलिए अब हम मिलेंगे कल, और कल मिलके हम लोग आपका फोर्थ जो चैप्टर है उसको करेंगे डिस्कस। तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय एवरीवन।